हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली। आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार चटपटा आलू शिमला मिर्च की सब्जी। इसमें हम बहुत ही सीक्रेट एक चीज़ डालने वाले हैं जिससे कि आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ हमने 3 मीडियम साइज़ का आलू ऐसे काट के धो लिया। 5-6 देसी शिमला मिर्च है, उनको भी ऐसे ही साइज़ के काट के धो लिया। 1 बड़ा साइज़ का प्याज, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक चॉप कर लिया। यह हमने लोहे का कढ़ाई लिया है, जो कि चाइनीज़ कढ़ाई जैसा है लेकिन इंडियन स्टाइल है। 2 कड़े हैं। 1 बड़ा चम्मच तेल ले लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि तेल छिड़के ना। अब इसको थोड़ा सा चला के जो हमने आलू काट के रखा था उनको फ्राई कर लेंगे। आलू को हमें बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है, 90 से 95% तक पका लेना है। अभी थोड़ा सा पक गया है, कलर देखकर समझ आ रहा है। अब देखिए कलर बहुत ही बढ़िया कलर आया है, 95% तक तो पक गया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। बचे हुए तेल में 1 चम्मच तेल और डाल देते हैं, थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। जीरा चटकने लग गए। अब हम जो कटे हुए प्याज थे वो डाल देंगे। अच्छे से चला लेते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब हम जो अदरक लहसुन और मिर्ची का कूट रखा था वो डाल देंगे। अब इसको भी अच्छे से चला लेते हैं। तब तक पकाते हैं जब तक कि अदरक लहसुन मिर्ची का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। अब डाल देंगे कटे हुए टमाटर, मिला देते हैं एक साथ। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, चला देते हैं थोड़ा। अब आधी छोटी चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। मैंने आधा आधा करके दो दो बार करके डाला है। अच्छे से मिला देंगे। अब मसाले जले ना इसलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के चलाते रहेंगे। 3-4 मिनट में मसाले अच्छे से पक जाएंगे। जबकि मसाले के ऊपर से तेल दिखने लग जाए तब हम डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि आमचूर पाउडर। थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया। अब इसको भी मिला लेते हैं। अब डालेंगे इस रेसिपी का खास सीक्रेट, जो कि टोमेटो सॉस। 1 चम्मच जितना टोमेटो सॉस डालेंगे, इससे स्वाद लाजवाब आएगा। सॉस को अच्छे से मिला के जो फ्राई किया हुआ आलू थे वो हम डाल देंगे। आलू डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। अब शिमला मिर्च भी डाल देंगे, क्योंकि आलू हमारा पका हुआ ही था, उसके साथ शिमला मिर्च डाल दिया। तो अब ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा ही पकाएंगे। शिमला मिर्च में थोड़ा सा क्रंच रहेगा, बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। ढककर पकाते हैं 5 से 7 मिनट। ज़्यादा सूखा लग रहा है, थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के अच्छे से चला लेते हैं। अब थोड़ी देर और ढककर पकाते हैं, 3-4 मिनट में हो जाएगा। हमारी सब्जी लगभग तैयार हो गई है, थोड़ी देर और चला लेते हैं। अब डाल देंगे 1/3 छोटी चम्मच गरम मसाला। गरम मसाले की तो बात ही कुछ अलग है। अब हो गई सब्जी पूरी, स्वाद बहुत बढ़िया है। चेक कर लेते हैं आलू अच्छे से गला है कि नहीं। सब ठीक है, परफेक्ट। लोहे की कढ़ाई बिल्कुल नॉनस्टिक कढ़ाई जैसी काम कर रही है, बिल्कुल चिपक नहीं रही है। बहुत बढ़िया सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। चलो सर्व कर लेते हैं। ये सब्जी आप रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, इवन कि चावल के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगता है। बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। थोड़ा सा सजा लेते हैं। मेरे पास हरा धनिया नहीं था इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें और गार्निशिंग भी कर ले हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ। आप भी घर पर यह सब्जी बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सेफ रहे, स्वस्थ रहे, खाते रहे। बाय बाय।